गुड मॉर्निंग क्लास 11th। देखिए हम आपको आज पढ़ा रहे हैं राम नरेश त्रिपाठी। काव्य में आता है कि राम नरेश त्रिपाठी, लेसन नंबर 4। देखिए लेसन नंबर आता है 4, लेसन नंबर 3, राम नरेश त्रिपाठी। तो राम नरेश त्रिपाठी जो हैं, सबसे पहले राम नरेश त्रिपाठी का जीवन परिचय लिखते हैं हम लोग। राम नरेश त्रिपाठी का जीवन परिचय लिखा जाता है कि पंडित राम नरेश त्रिपाठी का जन्म जौनपुर प्रांत के कोयरीपुर ग्राम में पंडित रामदत्त त्रिपाठी के यहाँ सन 1881 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालय में हुई। अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करने के लिए आपने जौनपुर के एक विद्यालय में प्रवेश लिया। वहाँ पर आप नवम कक्षा तक ही अध्ययन कर सके। कविता के प्रति आपकी रुचि शैशव काल से ही हुई थी। कोयरीपुर ग्राम के विद्यालय के मुख्य अध्यापक ब्रजभाषा में कविता लिखा करते थे। आप भी उन्हीं से प्रभावित होकर के ब्रजभाषा में कविता करने लगे। तत्पश्चात द्विवेदी जी की पत्रिका सरस्वती से प्रभावित होकर के आपने ब्रजभाषा को त्याग करके खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में अपना लिया। ब्रजभाषा को त्याग दिया और काव्य को, मतलब खड़ी बोली को काव्य के रूप में इन्होंने अपना लिया। आपने सन 1917 ईस्वी में मिलन और सन 1920 ईस्वी में पथिक, 1917 में मिलन और 1927 ईस्वी और 1920 ईस्वी में आ गई पथिक और 27 में मानसी, 1900 में स्वप्न, इन्होंने काव्य रचे। मतलब सन 1917 ईस्वी में इन्होंने मिलन कविता, मिलन लिखा, 1920 ईस्वी में इन्होंने पथिक कविता लिखी और 1927 में लिखी जा गई मानसी और 1929 ईस्वी में इन्होंने स्वप्न नामक काव्य की रचना की। इनमें मानसी में आपकी नैतिकता के आदर्शों से युक्त फुटकर रचनाएं संकलित हैं। शेष तीनों काव्य ग्रंथ आपके प्रेम आख्यानक कार्य का खंड काव्य हैं। इनमें आपने कल्पित आख्यान का आश्रय लेकर राष्ट्र की भावना को जगाया है। आपकी यह राष्ट्रीयता हिंसा तथा रक्तपात की राजनीति से दूर शांति और सद्भावना पर आधारित है। इस राष्ट्रीयता के अनेक रूप हैं, सक्रिय साधना करना, विश्व बंधुत्व की भावना, देश की स्वतंत्रता के लिए त्याग का आदर्श। तो कहते हैं रक्तपात करना पशुता है, कायरता है मन की, अरी को वश करना चरित्र है, शोभा है जन की। तो कहते हैं कि मतलब राम नरेश जो त्रिपाठी जी जो थे, राम नरेश त्रिपाठी ने प्रतीक पद्धति से भारतवासियों की हीन अवस्था का चित्र खींचा और विदेशी शासक की इन्होंने बहुत ही भत्सना की। आपका जो आपकी जो भाषा है शुद्ध खड़ी बोली भाषा है, क्योंकि इन्होंने ब्रजभाषा को त्याग दिया था तो इनकी भाषा है शुद्ध खड़ी बोली भाषा है, और भाषा जो है शुद्ध खड़ी बोली भाषा है, और वाक्य रचना जो है पूर्व, मतलब पूर्णिया व्याकरण सम्मत है, और आपकी रचनाएं युग और राष्ट्र की आकांक्षाओं से परिपूर्ण हैं। तो ये इनका हो गया जीवन परिचय। जीवन परिचय में अब ये जो लेसन दिया गया है पथिक, तो प्रस्तुत अंश जो है पथिक में शीर्षक खंड काव्य के प्रस्तुत अंश पथिक शीर्षक खंड प्रस्तुत जो अंश है प्रस्तुत जो अंश मतलब पथिक जो दिया गया है पथिक शीर्षक खंड काव्य के पहले सर्ग से लिया गया। खंड काव्य जो है खंड काव्य के पहले सर्ग से ये जो पथिक है शीर्षक ये लिया गया है। इस दुनिया के दुखों से विरक्त होकर के काव्य नायक प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर के वहीं पर बसना चाहता है। यहाँ किसी साधु जन के द्वारा संदेश ग्रहण करके वह देश सेवा का व्रत लेता है। राजा के द्वारा उसे मृत्युदंड प्राप्त होता है, परंतु उसकी कीर्ति समाज में बनी रहती है। सागर के किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर
सागर के किनारे पर खड़ा पथिक जो है उसके सौंदर्य पर मुग्ध है, मुग्ध है प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को। वह मधुर मनोहर उज्ज्वल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। प्रकृति के प्रति पथिक का यह प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। मतलब जो प्रकृति का इतना सुंदर प्रेम प्रकृति को देखता है तो वो पत्नी के प्रेम से उसे प्रकृति जो है उसे पत्नी के प्रेम से दूर ले जाती है। स्वच्छंदतावादी इस रचना में प्रेम की स्वच्छंदता, भाषा की स्वच्छंदता और कल्पना की स्वच्छंदता, कहते प्रेम की, भाषा की और कल्पना की स्वच्छंदता का अद्भुत संयोग इसमें देखा जा सकता है। तो कहते हैं अब जो है पाठ जो है आता है पथिक, लेसन आता है पथिक। पथिक में सबसे पहले देखिएगा लिखा है प्रतिक्षण, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे तल समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में बिचरूं यही चाहता मन है। रत्नाकर गर्जन करता है मल्या नील बहता है, हरदम ये हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के, जी भर के। तो प्रतिक्षण, प्रतिक्षण माने होता है प्रत्येक क्षण। प्रतिक्षण मीन्स क्या होता है प्रत्येक क्षण, नूतन मीन्स होता है नया, है नया। रंग बिरंग निराला मतलब अनेक तरह के रंगों से, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला, नभ माने आकाश, वारिद वारिद माला, वारिद वारिद माला मतलब होता है गिरती हुई वर्षा की, गिरती हुई वर्षा की लड़ियाँ, गिरती हुई वर्षा की लड़ियाँ। और नील गगन मंस होता है नीला आकाश, नील गगन। रत्नाकर गर्जन करता है, रत्नाकर मीन्स होता है समुद्र, गर्जन करता है मतलब गर्जना करता है। मलया नील बहता है, मलया नील मतलब होता है मलय पर्वत की तरफ से आने वाली वायु, ठीक है। और विशाल माने बड़ा, महिमामय रत्नाकर के घर को, महिमामय मीन्स होता है गौरवमय। तो देखिए ये प्रस्तुत जो पद्यांश है हिंदी के पाठ पुस्तक जो आरोह है राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है, पथिक कविता से, ये पथिक कविता से लिया गया है। तो संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि दुनिया के दुखों से विरक्त होकर, प्रस्तुत काव्यांश में कवि दुनिया के दुखों से विरक्त काव्य नायक जो है प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर के, प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर के वहीं बसना चाहता है। प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर के मतलब दुखों से विरक्त हो गया है, दुखों से विरक्त का विनायक प्रकृति के सौंदर्य पर मोहित होकर के वहीं पर बसना चाहता है। तो सागर की देखिए व्याख्या लिखेंगे हम लोग, सागर के तट पर खड़ा पथिक, पथिक खड़ा है और वो क्या सोचता है, तो लिखेंगे सागर के तट पर खड़ा पथिक ये सोचता है, सागर के तट पर खड़ा हुआ पथिक सोचता है, पथिक सोचता है और उसको देखता है और उसका अनुभव भी करता है। क्या कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। वो ये अनुभव करता है कि नभ से गिरती हुई वर्षा की लड़ियाँ, आकाश से गिरती हुई वर्षा की जो बूंदें गिर रही हैं, आकाश से जो वर्षा की बूंदें गिर रही हैं, नभ की लड़ी नभ से गिरती हुई जो वर्षा की जो लड़ियाँ हैं प्रतिक्षण नीचे आकर के क्या करती हैं, प्रतिक्षण नया रूप धारण कर लेती हैं, नूतन वेश बनाकर रंग बिरंगे में डाला, प्रतिक्षण जो है नया वेश धारण कर लेती हैं और रवि के सम्मुख और सूर्य के सम्मुख रंग बिरंगी दिखाई दे रही है। मतलब बूंदे तो सफ़ेद ही आती हैं पर भगवान पर सूर्य जो होता है, सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं वो अब सूर्य में सातों रंग दिखाई देते हैं, तो वो अलग अलग तरीके की दिखाई देती हैं। तो प्रतिक्षण
वो नया रूप धारण कर लेती हैं। रवि के सम्मुख थिरक रही हैं नभ में वारक माला, वर्षा की जो लड़ियाँ हैं सूर्य के सम्मुख आकर के रंग बिरंगी दिखाई दे रही हैं। नीचे तल समुद्र मनोहर, नीचे तल समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। कहते हैं कि उसे ये गिरती हुई वर्षों का मतलब, ये जो गिरती हुई वर्षा की बूंदे हैं उनकी लड़ियों का रूप जो है बहुत ही मनोहर प्रतीत होता है। और वह खड़ा खड़ा वहाँ पर बड़ा आनंदित भी, मतलब खुशी आनंदित होते हुए कहता है कि यह एक बहुत ही सुंदर दृश्य है, बहुत ही सुंदर दृश्य है। और वो नीचे नीला सागर, नीचे तल समुद्र, नीचे नीला सागर है और ऊपर है नीला आकाश, नीचे नीला सागर है और ऊपर है नीला आकाश। उसका मन करता है कि वह समुद्र और आकाश के बीच में बैठ कर के सैर करे। ठीक है, नीचे नल, नीचे समुद्र है और ऊपर नीचे तल समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। नीचे समुद्र है और ऊपर नीला, नीचे समुद्र नीला है और ऊपर आकाश नीला है। तो वो उसका मन करता है कि घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। उसका मन करता है कि वह समुद्र और आकाश के बीच में बैठ कर के सैर करे, विचरूं यही चाहता मन है। समुद्र और आकाश के बीच में बैठ कर के मैं विचरण करूं, मेरा मन यही चाहता है। रत्ना कर गर्जन करता है समुद्र, जो क्या करता है समुद्र, गर्जना करता है। पथिक समुद्र तट पर खड़ा हुआ समुद्र की गर्जना को देखता है कि किस प्रकार से गर्जन कर रहा है। मलया नील बहता है और मलय पर्वत की तरफ से आने वाली जो हवा सुंदर बह रही है ना। हरदम ये हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। पथिक कहता है कि समुद्र जो है अत्यंत विस्तृत और विशाल है और उसका मन करता है कि इस समुद्र में उठने वाली लहरों पर बैठ कर के मैं विचरण करूं। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्ना करके घर को, अर्थात वह समुद्र की प्रत्येक गतिविधि की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। वह समुद्र की प्रत्येक गतिविधि की जानकारी प्राप्त करना चाहता है और उसका सानिध्य पाकर के वह आनंदित होना चाहता है और उनका सानिध्य पाकर के वह आनंदित होना चाहता है। तो लिखा है कोने कोने में लहरों पर बैठ भी रुचि भर के, कोने कोने में लहरों में, कहता है वह प्रत्येक गतिविधि पर, समुद्र की प्रत्येक गतिविधि पर की वह जानकारी प्राप्त करना चाहता है और उनका सानिध्य पाकर के आनंदित होना चाहता है।